देखिए उनके जो दौरे के बारे में तो खुद ही कई चीजें यहाँ बता चुके हैं और मेरे ख्याल में ये एक बेजर सा फायदा ट्रिप है एक सिर्फ फोटो आप है इसके अलावा कुछ भी नहीं है दो चार उसके मैं फैक्टर आपको बताना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक, एक बड़ी शायद यही इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी है जिसकी वजह से ऑफ कोर्स उसी गाइडलाइन के अंदर उन्होंने फरमाया था उन्होंने कहा था कि मैं कोई या रिलेशनशिप के लिए नहीं जा रहा हूं मैं सिर्फ एस की मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूं अब उस मीटिंग में आप ये बताएं कि एस की मीटिंग में पाकिस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन होगा क्या ऑफर कर सकता है आ, कुछ भी नहीं कर सकता लेने के लिए कोशिश करेंगे देने के लिए तो कुछ नहीं उनके पास आ, अब उसमें दूसरा दे आप जब भी आपके कोई डेलीगेशन बाहर जाता है उसकी इज्जत इस बेस पे होती है कि पाकिस्तान के अंदर हालात क्या है उनका पाकिस्तान में क्या मैंडेट है अवाम की सपोर्ट कितनी हासिल है तो पाकिस्तान के जो हालात हैं इन हालात में अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो साहब को लोग वहां किस तरह रिसीव करेंगे रिसीव इस तरह करेंगे कि वापसी तक हो सकता है पता नहीं इनकी गवर्नमेंट भी रहेगी या नहीं रहेगी हालात तो यही चल रहे हैं सुबह हर सुबह सुप्रीम कोर्ट लगती है तो लगता है शाम तक सारा कुछ फारक कर देंगे हर सुबह उठते हैं लोग लोगों को कोई पता नहीं होता कि हमने किधर जाना है मुलाक कौन चला रहा है क्या खाने को मिलेगा क्या पहनने को मिलेगा तो हाथी न सभी को जय हिंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है तो आज हम आपके लिए एक लाजवाब वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा और काफी मजा आएगा तो इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगी तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं अगर आप चैनल पे नहीं है तो आप जानते हैं कि क्या करना है तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जय हिंद जय भारत हालात में बिलावल भुट्टो साहब या वो डेलीगेशन क्या ऑफर कर सकता है दुनिया को ना सिर्फ ऐसी को, दुनिया को मेरे ख्याल में मेरे, मेरी जो आ, अपनी राय थी इस तरह का बेमानी आ, ट्रिप लगाने से अच्छा था कि कॉम के पैसे बचा लिए जाते पहले भी तो आपके लोग जूम पे अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो ये भी कर लेते अटेंड क्या फर्क पड़ता था कौम का पैसा बर्बाद करेंगे वहां पे पेट्रोल का खर्चा होगा होटलों का खर्चा होगा वहां लोग जाएंगे आएंगे मेरा एक 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 कंट्री के ऊपर इतना बोझ डालना बेमानी मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो आपकी कोई फॉरन पॉलिसी तो मौजूद नहीं है उसका नहीं। पिछले दिनों ए, 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 एक थोड़ा सा खुलासा भी निकला उसकी ए, ए, एक आडियो भी निकली जिसमें हमारे वजीर खारजा और वजीर जो आपके वजी खारजा और वजीर आजम जो है वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कंफ्यूज हाँ, हाँ, इसलिए नजर आ रहे हैं कि दोनों को यह नहीं पता था कि हम लेफ्ट लें यहां से या राइट लें दोनों कंफ्यूज है वो क्योंकि पैसे जाना तो वही होता है जहां से पैसे पैसे मिले इस वक्त दुनिया दे नहीं रही है तो हाँ एक बात है थोड़ा सा इशारा जो है वो चाइना से आया है वो जो फिफ्टी एट बिलियन का प्रोजेक्ट है उस उसमें हमारे वो कहते हैं ना बेगानी शादी में कई अब्दुल्ला दीवाने हो गए हैं वो इस वजह से कई ब्यूरोक्रेट हैं उनको डॉलर नजर आने शुरू हो गए हैं उनको पाउंड नजर आने शुरू हो गए हैं उनकी बेगमत और बच्चों ने शॉपिंग लिस्टें बनाना शुरू कर दी है कि कहीं बिलियन मिलेगा तो भाई वारे नारे हो जाएंगे क्योंकि पिछली दफा जब उन्होंने कुछ थोड़े डॉलर आपको दिए थे तो आपने बड़े पिज्जे बहुत बनाया हुँ? आपके भाई जो डिलीवरी करते थे पिज्जे के अब वो डेढ़ डेढ़ सौ पिज्जो के मालिक है आपने उनसे किया तो अब उसमें लग ये रहा है कि आप टर्न जो है आप लेंगे चाइना की तरफ आ, और क्योंकि आपको जो दूसरे आपके फैनेंसर हैं सऊदी अरेबिया और यूएई वाले भी आजकल चाइना के साथ ही हैं तो आप जाहिर है उसी आप तो भी द, वो कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो आप तो सिर्फ डॉलर के पीछे जाते ना डॉलर कहां से नजर आएंगे तो लग रहा है कि आप डॉलर के पीछे जाएंगे भारत के साथ आ, अगर आप आ, दोस्ती करते हैं रिलेशनशिप करते हैं तो हो सकता है हर उस मुल्क के साथ आपका नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है जिसके साथ आपका बॉर्डर है बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन सर इमरान खान साहब ने अमेरिका को भी तो एक लेटर लिखा है मुझे डॉलर से याद आया कि उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर एक लेटर लिखा है कि उसका रिवाइवल वो कैसे करेंगे वो प्लान उन्होंने अमेरिका को लिखा है, ये जा रहा है। नहीं, उनका के हालात भी पाकिस्तान जैसे मिलते जुलते यहाँ भी इनको कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है हाँ ये जरूर हो रहा है इस वक्त आप अमेरिका को जो मैंने देखा है पिछले दिनों मेरी एक बड़ी अच्छी डिस्कशन किसी के साथ हुई थी Hmm. कि अमेरिकन uh, भी थोड़े जो डिप्लोमेटिक लेवल तक वो भी दे आर वाचिंग यू क्योंकि उन्हें पता है कि पॉपुलैरिटी जो uh, uh, जनरल मैसेज के अंदर है वो इमरान खान की है uh, लेकिन अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन डीसी uh, के, के, के जो इस वक्त फीलिंग्स है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो आर्टिकल आया था वो दे आर दे आर कीपिंग दैट इन देर माइंड एज वेल कि ही इज रेकलेस ही इज नॉन ट्रस्टवर्दी और दूसरा सबसे बड़ा जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी वरीर है हाथ में तस्वीर है पार्टी भी खुल के करनी है लेकिन साथ अमर बिन मारूफ का नारा भी लगाना है, ये उनके लिए सबसे ज्यादा सो, तो जब उस उठता हूं और जजों के ग्रुप और उसके बाद में आपके सियासतदानों के बयान और स्पीचेज देखता हूं तो लगता है कि आपकी तबाही जो है वो लिखी जा चुकी है क्योंकि इन सारे इस, इस शोर के अंदर सारा जो मजमा है लूटर्स का आपका चाहे कोई एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे जजेस हैं चाहे है सियासतदान हैं जो कुछ भी ये स, इस मजमे में से पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं कर रहे इस सारे मजमे में से किसी के पास अकानमी ठीक करने का कोई हल नहीं इस सारे मजमे में से किसी के पास किसी की यह सोच नहीं है कि पाकिस्तानी बच्चों को पढ़ाना किस तरह है गाने जरूर बना लेते हैं कि दुश्मन के बच्चों को भी पढ़ाएंगे अपने बच्चे तो पढ़ा लो अपने बच्चे तो सारे आंखों से अंधे हो चुके हैं अपने बच्चे सारे तो भाई ट्वीट पे बैठे हैं सिर्फ आंखों से अंधे हैं आंखों पे बह रहे हैं इनको तो पढ़ाते नहीं हो दुश्मन के बच्चे पढ़ाओगे तो अच्छा फिर जब ये सारा सिलसिला है मेरी ये क्वेश्चन हमेशा ही होता है अब मैं इस पॉइंट पे आ चुका हूं पाकिस्तान बनाया तो साल बाद आपने पैसे मांगने शुरू कर दिए दुनिया में पहले ट्रिप पे आप अमेरिका में आए उस पर पैसे मांगे आपने इस्लाम बेचा आपने कहा कि सोशलिज्म इस्लाम के खिलाफ है हम, हमें भी हम तो आपका जमहूरियत को प्रमोट करेंगे डॉलर दो भी डॉलर छिहत्तर साल आपने डॉलर मांगे मेरा ये क्वेश्चन है ये 25 करोड़ जो अंधे लोग इस वक्त आंखें बंद करके अपने मुल्क को जलाने की तैयारी कर रहे हैं कितने दुनिया के ममालिक जो कर्जों पे और खैरात पे चलते हैं कितने कितना या फिर चलते हैं ये कितना सच हमें पाएंगे बिल्कुल इसका जवाब किसी इस मजमे में किसी के पास नहीं है बल्कि मैं दुख के साथ यह कहता हूं दुख के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के निकले हैं तो सारी दुनिया पे छा गए हैं यहां पे सारी कंपनियों के सीईओ। अब दूसरा साइड दिखाना चाहता हूं आपको आपकी रूलिंग लीड सारी हार्वर्ड से और आई पढ़ने यहां पे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड पे चार चार सौ साल पुराने इंस्टीट्यूट हैं लेकिन उनकी डिग्रियां उनको कुछ नहीं दे पाई वो भी आंखों से अंधे हाँ उन्होंने यहां से क्या सीखा है मनी लॉन्ड्रिंग वो यहां से मनी लॉन्ड्रिंग की डिग्रियां लेकर गए हैं हार्वर्ड से कैम्ब्रिज से और हार्सफोर्ड से क्योंकि इस वक्त आपके जितने लूटर्स हैं जितने लूटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो पांच छह हजार सारे इन स्कूलों से इन ग्रेजुएट हैं और हर एक मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है हर एक के बच्चे इंग्लैंड और कनाडा में बैठे हैं अब इस पे मैं क्या मैं क्या इस पे स्टेटमेंट दूंगा ये इंस्टीट्यूट्स का प्रॉब्लम नहीं है डीएनए का प्रॉब्लम है अगर किसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के एप्पल चला रहे हो माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हो यहाँ पे ट्विटर चला रहे हो तो मेरे जो अकल के अंधे हैं उन पे कलामे नर्मो नाजक बेअसर है हार्वर्ड शर्मिंदा है आज केमब्रिज वाले रो रहे हैं ऑक्सफोर्ड वाले तड़प रहे हैं इन इन अंतों को डिग्रियां क्यों दी थी इनको एडमिशन क्यों दिए थे यहां पे ये तमाचे हैं हमारे हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर तमाचे हैं ये तो ये इस पे मुझे आरज़ू नहीं मुझे ये बताए कि क्या वजह है कि वहां से लोग एक लोकल इंस्टीट्यूट से पढ़ के आके दुनिया को रूल इस वक्त कर रहे हैं और हमारे चार चार सौ साल इंस्टीट्यूशन के पढ़ के मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं कसूर किसका है सर जाहिर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का है और हमें आदत पड़ चुकी है बैठे बैठे खाने की काम करने की आदत नहीं रही लोगों आपका एजुकेशन सिस्टम तो वो ही नहीं -E आपका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा है वो तो ब्रिटिश ने बनाया था अपने एजेंटों के बच्चों को पढ़ाने के लिए इस वक्त आपकी कौन का जो फैसला करने वाला बंदा है वो तो एचन -E से पढ़ा था वो तो उसने वो तो एक दिन नहीं किया आपके एजुकेशन सिस्टम में वो एचन से पढ़ा फिर वह यहाँ कोलंबिया से पहली बैचलर डिग्री है और लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज की है दूसरा जो आपको तबाह करने वाला है अमीरुल मोमिनीन वो भी एचिसन से पढ़ा और ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है आपको तबाह करने वाले तो सारे एच ई सोनियन है एच पाकिस्तानी थोड़ी है वो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम का तो हिस्सा ही नहीं है लेकिन सर माइंडसेट तो तालिबानी ही है ना सर तालिबानी माइंडसेट इनका जहां से मर्जी पढ़ ले नहीं एचिसन से ऑक्सफोर्ड से पढ़ के कैमरेज से इस्लाम को बेच रहे हैं आपको ये नहीं पता मैं आपको क्या बता रहा हूं इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग सीखी है हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से इन्होंने कहा है पाकिस्तान में जाके तस्बी भेचो के इस्लामिक टच दो इस्लामिक टच दे ये इस्लामिक टच बेच रहे हैं हैं मार्केटर मार्केटर है, ये हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इनको टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है ये, ये इन्होंने ऑक्सफोर्ड से कैमरे से फ्रॉड सीखा है कि किस तरीके से जाके बेवकूफ लोगों को अंधा करना है इस्लाम के साथ ये ये सीख कर गए और बेच रहे हैं इस्लाम बिक रहा है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी ऐसी लाजवाब और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें तो अगली वीडियो तक आप अपना ध्यान रखिए जल्द मिलेंगे जय हिंद जय भारत